कुछ ही पलों में अब आधिकारिक तौर पर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने वाले हैं मंत्री ममता भूपेश और प्रताप सिंह खाचरियावास, दोनों आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कैबिनेट ने नए जिलों के गठन पर मुहर लगा दी है। सबसे पहले हम आपको बता दें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कैबिनेट की ओर से इसे लेकर के प्रस्ताव पास किया गया है। सबसे बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और कुछ ही देर में जयपुर से कैबिनेट के फैसलों की विस्तृत जानकारी देंगे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो कुछ ही पलों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और विस्तृत तौर पर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया के सामने रखी जाएगी। कंप्लीट कर रही मैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप राजधानी जयपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं जयपुर से। कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, कैबिनेट ने नए जिलों के गठन को लेकर के मोहर लगा दी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी हम आपको सीधी ले चलेंगे, लेकिन पहले बाबूलाल धायल से जानकारी लेते हैं। बाबूलाल, क्या अपडेट है? गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं? जी, सबसे महत्वपूर्ण फैसला है कैबिनेट ने नए जिलों के गठन पर मोहर लगा दी है, लेकिन नोटिफिकेशन आज जारी नहीं होगा। एक दो दिन बाद में नोटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो जारी होगी, उसके बाद में गजट नोटिफिकेशन होगा। आज तमाम मंत्रियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फीडबैक लिया और जहां जहां भी विवाद है बाउंड्रीज को लेकर के, तो उस पर मंत्रियों ने सीएम को अपनी जानकारी दी और सीएम ने यही कहा है कि जहां जहां पर विवाद की स्थिति है, जहां पर जनता विरोध कर रही है, तो जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मसले को आप राजस्व मंत्री रामलाल जाट के साथ बैठ करके सुलझाएं और ताकि इसका फायदा मिले जनता को और जनता की जो जन आकांक्षाएं जन भावनाएं उनकी कदर हम सब लोगों को करनी है। तो सरकार नहीं चाहती कि नए जिलों का के ऐलान से जो एक माहौल बना था उस पर विवाद का साया मंडराए और उसका जो है चुनावी नुकसान पार्टी को हो, तो इसका सियासी फायदा लेने के लिए जन भावनाओं के अनुरूप सरकार फैसले लेगी। जहां जहां भी विवाद की स्थिति है वो एक दो दिन में जो मंत्री हैं उस संबंधित इलाके के जो विधायक हैं उनसे राय मशवरा करके और बाउंड्रीज तय करके सीएम को बताएंगे और फिर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो कैबिनेट ने एक तरह से मोहर लगा दी है, जो प्रक्रिया है वो अभी जो है वो आगे बढ़ना बाकी है। और क्योंकि बड़ी खबर यही कि प्रदेश की जनता जो है वो जहां जहां भी नए जिलों का गठन होना है वो बड़े इंतजार कर रहे थे कि क्या आज हमारे जिले का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो वो प्रक्रिया अब आगे बढ़ जाएगी क्योंकि कैबिनेट ने तय कर लिया है और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया एक दो दिन बाद में जब हो जाएगी तो फिर जिन जिन इलाकों में विरोध के सुर थे वो भी थम जाएंगे क्योंकि वहां की जनता की भावनाओं के अनुरूप ही सरकार कदम बढ़ा रही है। तो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, गहलोत सरकार ने जो ऐलान किया था राजस्थान की विधानसभा में और 33 से बढ़ाकर 50 जिले होने जा रहे थे, तो वो अब प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। दूदू भी जिला बनेगा और इसके साथ ही राजस्थान जयपुर में एक और जिला ग्रामीण बनाया जा रहा है, कोटपूतली अलग जिला बन रहा है। तो दूदू को लेकर के जो विवाद की स्थिति बनी थी तो उसको टालने के लिए जयपुर ग्रामीण जिला बनाया जा रहा है, जिसमें सांबर फुलेरा होंगे, आमेर होगा, झोटवाड़ा होगा, चोमू होगा, जम्मू रामगढ़ का इलाका होगा और शाहपुरा भी उसमें शामिल होगा। तो विवाद को टालने के लिए जो भी संभव हो सकता था वो कोशिश सरकार ने करी है ताकि चुनावी साल में ऐसा कोई विवाद खड़ा ना हो जो सरकार के लिए सियासी नुकसान का कारण बन जाए। इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया है, जहां की जनता जहां पे रहना चाहती है उसी को तवज्जो दी जाएगी, उसी इलाके में उनको शामिल कराया जाएगा ताकि इसका कोई सियासी नुकसान ना हो, पार्टी को इसका फायदा हो और जनता जो है सरकार के विरोध में कहीं सड़कों पर खड़ी नजर ना आए, इसका पूरा ध्यान रखा गया और इसी के मुताबिक आने वाले दिनों में जब नोटिफिकेशन होगा तो बिल्कुल बिल्कुल। बाबूलाल बहुत शुक्रिया और अब सीधे हम आपके लिए चल रहे हैं जहां पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। बड़ा डिसीजन राजस्थान सरकार ने लिया है, अब राजस्थान के एजुकेशन में, राजस्थान के स्कूलों में तद्युत संविधान का प्रेम्बल और फंडामेंटल राइट्स को लेकर उसमें किताबों में उल्लेखित किया जाएगा, सभी विद्यालयों में प्रारंभ होगा संविधान की उद्देशिका मौलिक कर्तव्यों का पाठन और मंत्रिमंडल के जिलों को लेकर भी अंतिम रूप दिया गया है। और आप इस बात को जानते हैं कि आज जो फैसले लिए गए वो सारा मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आज के दिन भारत सरकार के गृहमंत्री अमित शाह जी राजस्थान आए थे और जिस तरह से उन्होंने पूरे राजस्थान में
उदयपुर में मेवाड़ में सभा को संबोधित करते हुए जो बातें कही उसमें उन्होंने ये कहा कि उदयपुर में जो घटना घटी जिसको पूरे देश में हमने सबने बहुत गंभीर माना, कन्हैयालाल के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने कहा कि एनआईए ने गिरफ्तार किया, कन्हैयालाल के हत्यारों को एनआईए ने गिरफ्तार नहीं किया, राजस्थान की पुलिस ने राजस्थान सरकार के नेतृत्व में उसी दिन 2-3 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। और हमने तब भी कहा था ऐसे हत्यारे जो समाज के लिए देश के लिए विध्वंसक है, जो धर्म के नाम पर जाति के नाम पर भारत के संविधान का अपमान करते हुए भारत के संविधान को चुनौती देकर जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको ठोक कर मार देना चाहिए। तब भी हम बड़े सख्त थे, आज भी हम बड़े सख्त हैं। ऐसे हत्यारों के लिए तो फांसी की सजा भी कम है, लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह से इस बात को भी जानते हैं कि जिन लोगों ने उस वक्त हत्या को अंजाम दिया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके फोटो उस वक्त के यहां के विपक्ष के नेता के साथ फोटो सामने आए और पूरे देश ने उन फोटोज को देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो लोग। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप जानते हैं 6 महीने में राजस्थान में चुनाव हो जाएंगे, तब बीजेपी के सारे बड़े नेता राजस्थान में आ रहे हैं और आकर वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार की जो पब्लिक वेलफेयर की और डेवलपमेंट की जो स्कीम्स है जो पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम कर रही है, उन स्कीम्स को कैसे भी वॉश आउट करने के लिए बड़े नेताओं का झूठ बोलना ये बहुत बड़ा पाप। जयपुर बम ब्लास्ट को लेकर उन्होंने आज कह दिया कि जयपुर बम ब्लास्ट में कांग्रेस के ऊपर वो आरोप लगा रहे थे, जयपुर में बम ब्लास्ट जो हुआ 13 मई को वो बम ब्लास्ट उस वक्त 13 मई 2008 को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी, तो उसमें तो बीजेपी सरकार का फेल्यूर है। उन्होंने चालान बड़े सख्ती के साथ यदि पेश किया होता तो एक भी व्यक्ति उस वक्त बरी नहीं हो पाता। आज चालान में कमजोरी रह गई, सरकार ने पूरा ध्यान नहीं दिया। जब हमारे पास सामने ये मामला आया तो हमने एक एडवोकेट जनरल को हटाया। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान की सरकार गई है कि बम ब्लास्ट के दोषी कोई भी बच नहीं जाए। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखती है और खुद की उपलब्धि नहीं बताती। हमें खुशी होती कि इनके जितने भी बड़े नेता राजस्थान में आ रहे हैं, यदि वो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार में उसकी 9 साल की 2 उपलब्धि बता दे, वो बता दे 500 रुपए में सिलेंडर राजस्थान में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार दे रही है, और 500 रुपए में जो सिलेंडर हम दे रहे हैं वो सिलेंडर ये 1100 रुपए में दे रहे हैं। 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा राजस्थान में, ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। 76 लाख परिवारों की आंखों में चमक है। 76 लाख परिवारों का मतलब आप करीब 3.5 करोड़ आबादी, लगभग 3 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि हमारी जो जितनी भी स्कीम्स है, स्पेशल है, आज हमने जो बड़े बड़े फैसले लिए उसमें हमने बड़ा डिसीजन लिया है। जिलों को लेकर भी अंतिम रूप दे दिया गया है। अब जिलों में सबकी भावनाओं का, जनता की भावनाओं का सम्मान रखने की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी कही थी, पूरी सरकार ने कही थी, और सरकार में जो बड़ा 19 जिलों का फैसला लिया गया वो जिले से इसलिए बनाए गए जिससे पब्लिक को रिलीफ मिले, पब्लिक को दूर नहीं जाना पड़े जिलों को लेकर, इसलिए उन जिलों का फैसला लिया गया था, जिलों को अंतिम रूप दे दिया गया है। फिर भी यदि कोई बात होगी, अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, कहीं कोई बात होगी, कोई मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचेगी, हमारे मंत्रियों तक पहुंचेगी, विधायकों तक पहुंचेगी, तो उसमें भी अभी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और ये सारा का सारा फैसला किया गया है विकास संबंधी, आप जानते हैं कि नवीन जो विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की अधिक प्रभावी ढंग से होगी जिससे आम जन को सरकारी योजना सुविधाओं का सेवाओं का लाभ शीघ्र मिल सकेगा। प्रदेश के पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों तक जिला प्रशासन उसके माध्यम से सरकार की पहुंच और अधिक सुगम होगी जिससे इन क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा। जमीन संबंधी एवं दीवानी मामलों को न्यायालय के नजदीक होने से आमजन के समय और धन की बचत होगी। ये सारे मामले हमारे जिलों के आकार को लेकर हमने ये पॉइंट्स दिए हैं कि जिले इसलिए बनाए गए जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो, जमीन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, न्याय से संबंधित, कानून से संबंधित, तो ये लोग वहां पर पहुंच सके। मंत्रिमंडल की बैठक में जो आज हमारे बड़े फैसले लिए गए उन फैसलों में
मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, फिर हमारी ममता जी बताएंगे। इन जिलों में सभी विद्यालयों में प्रारंभ होगा संविधान की उद्देशिका प्रेम्बल और मौलिक कर्तव्यों का पठन। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक विद्यालय में संविधान की उद्देशिका मौलिक कर्तव्यों का पाठन आरंभ करने का निर्णय लिया गया। इससे प्रदेश की युवा पीढ़ी को देश के महान संविधान, लोकतंत्र एवं राष्ट्रीयता पर राष्ट्रीय हित जिलों का राष्ट्रीयता पर विश्वास तथा गर्व और अधिक सुदृढ़ हो सकेगा। यह पाठन विद्यालयों में प्रति शनिवार 9 बैंक डे पर किया जाएगा। राजस्थान ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी अब दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाएगी। मंत्रिमंडल ने दी राजस्थान ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल 2023 में प्रारूप को मंजूरी देते हुए राजस्थान ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी करने का निर्णय किया है। इससे कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के गठन और नए प्रावधानों के लिए ऑर्डिनेंस लाने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इस निर्णय से विश्वविद्यालय का कार्य सुगमता और त्वरित गति से हो सकेगा। मंत्रिमंडल की स्वीकृति से यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह से मिलना हुआ सुनिश्चित, अब 2 होगी वेतन वृद्धि की तिथियां। मंत्रिमंडल में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित अधिनियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे कार्मिक की पदोन्नति या ACP लगने पर पदोन्नति पद के पे लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल में वेतन नियत हो सकेगा। इससे कार्मिक के वेतन में वृद्धि होगी तथा वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर 2 वेतन वृद्धि की तिथियां 1 जनवरी और 1 जुलाई निर्धारित की गई है, जिससे कार्मिकों को प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में ही मिल जाएगी। इन संशोधनों से विभिन्न सेवाओं के पदनाम सेवा नियमों के अनुरूप हो जाएंगे। राज्य के अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में मिल सकेंगे अधिक अवसर। आप क्या लगे ना ठीक है, ममता जी बताएंगे आपको आगे जो हमारे आज ज्यादा रिजल्ट नहीं, तो ममता जी आपको सारे आगे फीड करेंगे सारे। नमस्कार साथियों, महंगाई राहत कैंप जो राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए प्रारंभ की, और मैं समझती हूं कि आज 7 करोड़ जनता महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से विभिन्न सुविधाओं से लाभान्वित हो रही है, जो हमारा मकसद गरीबों को, किसानों को, जरूरतमंद लोगों को राजस्थान सरकार के माध्यम से लाभ पहुंचाना, महंगाई के इस दौर में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके परिवारों को सुदृढ़ता के साथ में संभालना राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य था, और इन्हीं उद्देश्यों के साथ में महंगाई राहत कैंप प्रारंभ किए गए। आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग के अंदर काफी महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा की गई है। राज्य के पदोन्नति में ACP पर समान सेल होने पर आगामी सेल में नियम का होगा वेतन। राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे कार्मिक की पदोन्नति या ACP की पदोन्नति पद के पे लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल में वेतन नियम हो सकेगा। इससे कार्मिक के वेतन में वृद्धि हो सकेगी। राज्य के अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में मिल सकेंगे अधिक अवसर। मंत्रिमंडल ने 3 सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इससे शासन सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालयों एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंधित मंत्रालय सेवा नियमों के शीघ्र लिपिक निजी सहायक Grade 2 के पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही Phase 2 के लिए विज्ञापनों में पदों में 15 गुना विद्यार्थियों को सम्मिलित करने तथा शीघ्र लिपि को वेटेज देने संबंधी प्रावधान भी किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नियोजन प्राप्त हो सकेगा। महिला कर्मियों को राहत देने के लिए जिस तरह से राजस्थान की सरकार हर छोटे छोटे मुद्दों को, महिलाओं को, हमारी आधी आबादी के पूरे हक को, उनके अधिकारों को, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। महिला कर्मियों को गर्भावस्था के दौरान स्थानांतरण होने पर होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। राजस्थान सिविल सर्विसेज अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रूल्स 1958 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। उक्त संशोधन से महिला कर्मचारी आवंटित राजकीय आवास को मातृत्व अवकाश की समाप्ति तक सामान्य किराए पर रख सकती है। संस्कृत विद्यालयों में होगी कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था। अब प्रदेश में विभिन्न संस्कृत विद्यालयों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा मिल सकेगी।
संस्कृत शिक्षा विभाग में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया है। उक्त स्वीकृति से अब संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर अनुदेशकों का पदस्थापन भी हो सकेगा, जो एक पहल राजस्थान सरकार की संस्कृत शिक्षा के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। तीन सेवा नियमों में उद्योग विभाग का नाम अब होगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। राजस्थान उद्योग सेवा नियम 1960, राजस्थान उद्योग अधिनियम सेवा नियम 1966 एवं राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं नियम 1999 में संशोधन कर उद्योग विभाग का नाम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रखने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा आज लिया गया है। नाम परिवर्तन होने से विभाग के अधिकारियों के पदनामों में भी संशोधन किए जाएंगे। हमारी सरकार के विभिन्न मुद्दों के ऊपर आज चर्चा की गई और मैं समझती हूँ कि राजस्थान की जनता के लिए तमाम रूप से हम लोग हर क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं। राजस्थान की जनता के लिए जो हम MRC के कैंप लगाए जा रहे हैं, महंगाई राहत कैंप, उनका जो रिजल्ट आ रहा है, राजस्थान की जनता जिस प्रसन्नता के साथ, जिस उत्सुकता के साथ और जिस गंभीरता के साथ इन कैंपों के अंदर जाके और विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रही है, इससे बौखला के आप देखिए पिछले एक महीने डेढ़ महीने से लगातार, चाहे कभी प्रधानमंत्री जी का दौरा बन रहा है, कभी नड्डा जी का दौरा बन रहा है, कभी अमित शाह जी का दौरा बन रहा है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि जो राजस्थान की सरकार ने जनता को समर्पित कार्य किए हैं उनके ऊपर ये दौरों का कोई असर नहीं होगा। राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि ये लोग एक तरह से बहकाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आज जो महंगाई की मार देश की जनता के ऊपर पड़ रही है, इसका मूल क्या कारण है, क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही, क्यों हमारे पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा, क्यों हमारे गैस सिलेंडर का भाव बढ़ रहा, बेरोजगारी का आलम इस देश के अंदर आप सब लोगों को दिख रहा है, किस तरह से बेरोजगार आज सड़कों पे घूम रहे हैं। हम लोगों ने राजस्थान की सरकार के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया जो आप सब लोगों के सामने है, इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कैबिनेट के अंदर आज बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान एक इनके लिए पर्यटन क्षेत्र बन रहा है। आप आइए हमारे देश के अंदर, पधारो हमारे देश, लेकिन घूम के चले जाइए। राजस्थान की जनता आप लोगों के प्रलोभन में नहीं आने वाली। राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि हमारा भला और बुरा क्या है, कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी हमारे लिए रात दिन मेहनत कर रही है, कौन सी पार्टी हमारे परिवारों की चिंता कर रही है, कौन सी पार्टी हमारे बेरोजगारों की चिंता कर रही है, कौन सी पार्टी महिलाओं को विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़ के सशक्तिकरण के रूप में उनको बदलने का प्रयास कर रही है। इन तमाम मुद्दों के साथ में हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ये सरकार को आगे लेके जा रहे हैं और जनता को समर्पित कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। वो दूर कर दिए गए, अभी सूचना जल्दी जारी होगी हमको। तो जयपुर के और बाकी 19 जिलों को लेकर अंतिम जो फैसला ले लिया गया उसमें जो भी नए जिलों के गठन पर चर्चा पूर्ण होगी और इसको लेकर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, वो लगभग ठीक हो गई है। सारी सब पक्षों को सुन लिया गया है, सब पक्षों की समस्या का समाधान कर दिया। बड़ा टकराव जयपुर रूरल में था दूधू में साबित होने को लेकर, एक नया जिला जयपुर रूरल बन गया है। दूधू भी एक नया जिला रहेगा, लेकिन वो दूधू छोटा जिला होगा। जो जिस तरह से ये जोबने, रैनवाल और ये सांबर, फुलेरा, ये जो विरोध कर रहे थे दूधू में जाने का, अधिकतर वो जयपुर ग्रामीण में आ जाएंगे। और जयपुर शहर में जैसा हमने पहले ही मैं कह चुका हूं, वैसा ही है जो मैंने कहा था कि जयपुर एक ही रहेगा, हेरिटेज और केंद्र नगर निगम के सारे वार्ड रहेंगे। इसके अलावा आमेर, सांगाने का जो पुराना क्षेत्र इसमें था वो भी रहेगा। पूरा जयपुर लोकसभा क्षेत्र शहर रहेगा, पुराना जयपुर जैसा था वो जयपुर एक रहेगा। उसमें जयपुर उत्तर दक्षिण नहीं होगा, जैसा हमने पहले कहा था वैसा ही रहेगा। 19 जिलों में सारा लगभग ठीक कर दिया गया है और सबकी समस्याओं का उसमें समाधान आपको नजर आया। जोधपुर में भी ग्रामीण शहरी और शहरी रखा गया है जोधपुर में भी। और ये सारा जो इसका पूरा मामला है वो जब अधिसूचना जारी होगी तब आपको पता चल जाएगा सारा।
जयपुर ग्रामीण में कौन कौन सा हिस्सा मोटे तौर पर जो चर्चा? मोटे तौर पर मैंने आपको बताया जो दूधू में जाने का विरोध कर रहे थे उन सबको जयपुर ग्रामीण। अभी एक दो दिन में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी, अंतिम रूप से इसकी बैठकें चल रही हैं और बहुत जल्दी इसका समाधान निकाल के आप लोगों के सामने अनाउंसमेंट हो जाएगी। ये मान लिया गया है कि दूधू विधानसभा क्षेत्र अपने आप में जिला होगा? नहीं, अभी इसके ऊपर चर्चा चल रही है। लगभग देश का सबसे छोटा जिला होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या उसमें होगा तो छोटा ही जिले अब ज्यादा हो गए कि 19 से ज्यादा? 19 ही रह गए ना। दूध से अगर जयपुर ग्रामीण अलग बनाओगे तो बढ़ गया वो तो। जयपुर उत्तर दक्षिण, पहले जयपुर उत्तर दक्षिण होता था, उनका नाम तो बदला गया सिर्फ ग्रामीण और शहरी। नहीं, जयपुर उत्तर दक्षिण में तो शहर के टुकड़े हो रहे थे। आप इस बात को समझो, तभी तो मैंने कहा था उस वक्त। तो अब ये जो दूधू में जा रहे थे ना, वो इधर एक नया हो गया। वो रिएक्शन तो वहां झगड़ा वहां चल रहा था कि जयपुर में रहना चाहते थे तो उसको ज्यादा। फिर भी जयपुर शहर में भी आप ये मान के चलना 42 लाख की आबादी आ रही है, 42 लाख लोग पूरा जयपुर शहर लोकसभा सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। हाँ, 42 लाख मेरा मानना अंदाज है, बाकी पूरी लोकसभा आ रही है। 40 से ऊपर ही है, 40 से ऊपर। जयपुर शहर लोकसभा तो पूरी होगी ना, ये बहुत बड़ी बात। और कोई क्वेश्चन बताइए? आपने जो शुरू में बात कही केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर, तो क्या उसको कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे भी आप आपत्ति दर्ज कराएंगे कि जिस तरीके से गृह मंत्री के बयान दिया? ये जो शशि जी, एक बात ध्यान रखना, ये इस तरह का बयान इसमें मानना चाहिए कि मेरा ही मानना है कि अरेस्ट राजस्थान की सरकार करती है और गृहमंत्री के मुंह से ये गलती से भी निकल सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये मानकर चलता है इस पर जल्दी उधर से खंडन आ जाना चाहिए था, क्योंकि गिरफ्तारी राजस्थान की पुलिस ने है। राजस्थान की पुलिस का मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए। तो राजस्थान की पुलिस ने जितनी तेजी से उस दिन कार्रवाई की वो काबिले तारीफ थी, क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी राज्यों से बहुत अच्छा है। आज भी लोग जानते हैं यूपी से, एमपी से, हरियाणा से 100 गुना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हमारा है, कानून व्यवस्था हमारी अच्छी है और आप जानते हैं नंबर 2 पर है हम विकास दर में। तो राजस्थान की पोजीशन तो हर तरीके से ठीक है, चाहे हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे हमारी कानून व्यवस्था का मामला हो। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यदि कोई हमें घोरने खेलने की कोशिश करता है तो उससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? आपको पता है बीजेपी के नेताओं को जितना जन समर्थन मिलना चाहिए वो जन समर्थन इसीलिए नहीं मिल रहा कि हमारी एक एक योजना स्पेशल है पब्लिक वेलफेयर में, और कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थियों के लिए जो योजनाएं हम लेकर आए वो काबिले तारीफ है। 14,000 करोड़ के तो कर्जे माफ हो गए किसान को 2,000 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, बच्चों को रोडवेज की बसों में फ्री है जब एग्जाम देने वो जाते हैं, महिलाओं को 50% तक किराया फ्री कर दिया, 1 करोड़ बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन हम दे रहे हैं। ये ममता जी बैठी है, इनके डिपार्टमेंट ने सैनिटरी पैड टोटल फ्री हो गया राजस्थान की सरकार की तरफ से। आप ये बात मुझे बताइए, जब स्पेशल एक से बढ़कर एक योजना है तो ऐसे में 25 लाख तक का इलाज फ्री है प्राइवेट हॉस्पिटल में, 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा योजना फ्री है, बच्चे विदेशों में जाकर उसकी हम व्यवस्था करते हैं, कहीं पर भी कोई कमी हमने नहीं रखी। बीजेपी तो दिक्कत एक हो गई, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर जब तक बीजेपी सस्ता नहीं करेगी तब तक देश भरोसा नहीं करेगा, इन्होंने ही नारा दिया था। अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार बीजेपी सरकार एक शब्द नहीं बोल रहे पेट्रोल डीजल पर। और आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम इस वक्त $81 प्रति बैरल है, और तब आप 100 के पार ले गए पेट्रोल। मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के टाइम पर क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे, लेकिन पेट्रोल ₹70 लीटर से नीचे बिक रहा था पेट्रोल डीजल। तो इतना बड़ा वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने टैक्स ₹50 पर ले गए। आप चाहो तो आज टैक्स कम कर दो तो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, तो हर चीज सस्ती हो जाएगी। आप कुछ दे ही नहीं रहे, हमारे मुकाबले क्या दे रहे हो आप ही बताओ। हम किसान को ₹1,000 महीना सहायता दे रहे हैं, ₹1,000 मिनिमम यहाँ पे पेंशन है बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन 1 करोड़ लोगों में जा रही है। तो इसका मतलब हमारा काम स्पेशल है, हमने कोई कमी नहीं रखी किसी भी काम में। हमें पक्की उम्मीद है, आप सुन लेना, 100 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 यूनिट तक सारे टैक्स फ्री है। आज कह रहा हूं आपको कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी तो ये सब योजनाएं चालू रहेगी। और गलती से मैं लोगों से अपील करूंगा, काम के आधार पर वोट करना चाहिए। गलती से यदि बीजेपी को वोट दे दिया और गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो एक भी योजना काम करने वाली नहीं, बीजेपी आते ही बंद करेगी, कहेगी लोगों को चाहिए नहीं रिलीफ। तो रिलीफ चाहिए तो भैया कांग्रेस के साथ रहो,